नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राय आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल मिस्टर एट द रेट राय एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मैं फिर से सवाल लेकर आपके सामने आया हूं मैथ से संबंधित, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सरलीकरण से संबंधित सवाल है, सरलीकरण चैप्टर से, तो उसी का चैप्टर का यहाँ पर मैंने सवाल लिखा है। तो इस सवाल को जानेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैं आपको सवाल बताता हूं सरलीकरण से हो या किसी भी चैप्टर का मैं अगर सवाल बताऊं, तो आप लोगों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ विद्यार्थी, जैसे कि आप लोगों को अगर कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कर सकते हैं और मैं उसे पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो और सवाल में समझ में आया नहीं आया उसके बारे में बताएं। तो मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करूंगा जिस पर आप अपना क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, मैथ से संबंधित हो या किसी अन्य सब्जेक्ट से हिंदी हो या आपका रीजनिंग हो, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं वैसे ही होना चाहिए सवाल, तो उस सवाल को हम आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकते हैं और आपको बताएंगे। तो आप लोग सवाल को प्रोवाइड सेंड करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए आप लोग 7388983259। आप इस पर शेयर कर सकते हैं कोई भी आपके पास यदि क्वेश्चन है नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस नंबर पे सेंड करिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करें और हम उसको वीडियो के माध्यम से आप क्या साझा करेंगे। तो आइए सवाल को देखते हैं, आप नंबर नोट कर लीजिए इसको। लगा तो आइए विद्यार्थी हम इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि इन सबके कुल सिरों की संख्या 240, पैरों की संख्या दिया है 640, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी, हमसे यही पूछा है। तो सबसे पहले विद्यार्थी हम इस सवाल को लगाने से पहले क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे क्या चीज नहीं दिया आपको, यानी मुर्गियों की संख्या पूछा है तो मुर्गियों की संख्या सबसे पहले हम मान लेंगे, माना मुर्गियों की संख्या बराबर x, हमने मान लिया है कि मुर्गियों की संख्या क्या है x है। अब देखिए दूसरा चीज क्या है इसमें, तथा बकरियों का संख्या भी नहीं दिया है तो हम उसको क्या मान लेंगे, एक अलग व्यंजन मान लेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे बकरियों की संख्या बराबर y मान लेते हैं, मुर्गियों की संख्या हमने माना है x और बकरियों की संख्या क्या माना हमने y। अब देखिए यहां पर हमसे सवाल में दिया है कि यदि इन सबके कुल 240 सिर यानी मुर्गियों की और बकरियों की जो कपाल है सिर है वो संख्या कितनी है 240, तो मुर्गियों में भी क्या होती है सिर एक में एक ही होगा और बकरियों के पास भी एक ही होगा, तो मुर्गियों की संख्या और बकरियों की संख्या के बराबर ये क्या हो जाएगा, सिर की संख्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों में एक एक सिर ही पाए जाते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 240 हो जाएगी, यानी कि मुर्गियों की संख्या प्लस बकरियों की संख्या बराबर उनके सिरों की संख्या हो जाएगी। तो ये समीकरण नंबर एक हो गया। आगे विद्यार्थी देखिए यहाँ पे, तथा 640 पैर हो, यानी दोनों के मिलाकर पैर कितने होंगे 640, तो मुर्गियों की संख्या x है तो मुर्गियों में कितने पैर पाए जाते हैं दो, तो दो से क्या करेंगे x में गुणा कर देंगे तो पैरों की संख्या मुर्गियों की पता चल जाएगी प्लस। अब देखिए बकरियों की संख्या क्या है वाई है, तो बकरियों के पैर कितने होते हैं चार, तो इसमें चार से यदि गुणा कर देंगे तो बकरी के कितने पैर थे पता चल जाएगा, तो यहां पर हो गया चार वाई। अब दोनों को यदि जोड़ दिया जाए
तो यहाँ पर दे दिया है कि दोनों का मिलाकर पैरों की संख्या कितनी है 640, तो यह 640 की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको 2 कर लेंगे। अब देखिए, अब इसको हल करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, यानी कि अब इसको हल करेंगे तो ऊपर मिटाते हैं। देखिए विद्यार्थी, तो यहां पर हमने समीकरण 1 व 2 दोनों को लिख लिया है, तो यहां पर देखिए 2x है, यहां पर 4y है, तो दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा। यहां पर बच जाएगा x, क्योंकि 2 बाहर हो गया, और यहां से 2 बाहर हो गया, तो मतलब कि यहां पर 2 × 4 यानी कितना बचेगा, 2y बच जाएगा, बचेगा क्योंकि जब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 4y आ जाएगा इसके बराबर। इसके बाद क्या है, 640। अब देखिए ये 2 गुणा में है, तो यहां से कटाएंगे इसको, तो कितना बार में भाग जाएगा, 320। तो x प्लस 2y बराबर कितना आ गया, 320। समीकरण 2 ही है ये भी, इसको आगे बढ़ा रहे, तो यहां से इसको हटा देते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक विद्यार्थी, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 240, और समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 320। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने का मतलब क्या है कि इसको घटाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का जब चिन्ह है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है माइनस करेंगे, यहाँ पर भी प्लस का है तो माइनस करेंगे। अब देखिए एक्स प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वाई प्लस का और माइनस 2y है, तो घटेगा तो कितना आएगा, माइनस वाई आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है, तो माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा बराबर। अब देखिए यहाँ पर 240 प्लस का है और यहाँ पर माइनस का 320 है, तो घटेगा तो कितना आएगा, आएगा तो आपका 80, लेकिन संख्या कौन सी बड़ी है, माइनस वाली, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब देखिए बराबर की इधर भी माइनस है, तो ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ गया, 80। अब वाई हमने क्या माना था, बकरियों की संख्या, तो वाई क्या आ गया, बकरियों की संख्या आ गई। अब हमें मुर्गियों की संख्या पूछा है सवाल में कि मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने मुर्गी को क्या माना था कि मुर्गियां कितनी है, x है, तो x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान हम पहले समीकरण में क्या करेंगे, निकाल लेंगे पहले समीकरण से। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए विद्यार्थी, x प्लस वाई बराबर 240, y का मान कितना है, 80, तो x प्लस वाई का मान कितना है, 80, तो यहां पर रखेंगे 80 बराबर 240। मुर्गियों की संख्या हमें निकालना है, तो x का मान आ जाएगा, तो क्या मुर्गियों की संख्या आ जाएगी, तो ये 240, ये 80 प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मुर्गियों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, इसको घटाएंगे इसमें से, तो कितना होगा, 160, यानी हमारा राइट आंसर यही होगा। तो विद्यार्थी इस प्रकार के सवाल को इसी तरह हल करेंगे, और ऐसा प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस प्रश्न को एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा वीडियो को जरूर देखें और समझने का प्रयास करें। तो विद्यार्थी अब मिलेंगे आपके साथ, आपके साथ अगले प्रश्न के साथ, और सरलीकरण चैप्टर का एक सवाल था। देखिए विद्यार्थी, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और सवाल समझ में आए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, और एग्जाम की तैयारी का यहाँ को पूरा आनंद ले सकते हैं। तो मैं विद्यार्थी आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़े और अधिक से अधिक लोगों से शेयर करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को लाइक करवाएं, और वीडियो को देखकर आप सवाल को हल समझें।